धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके चरणों में सब कुछ समर्पित करते हैं, अपने जीवन के हर एक भाग को आपके हाथों में सौंपते हैं, जीवन के हर एक क्षेत्र में आपकी अगुवाई को मांगते हैं, आपकी उपस्थिति हम सब भाई और बहनों के संग संग बने रहे। आज हम इस प्रार्थना में प्रभु आपकी आशीष और बरकत को मांगते हैं, आपकी अगुवाई को मांगते हैं। प्रभु आप हमारी सुधि लेने वाले, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, हमारे जीवते परमेश्वर आप ही है जो हम सभी भाई और बहनों की प्रार्थना को सुनते हैं, निवेदनों की ओर कान लगाते हैं, गिड़गिड़ाहटों की ओर कान लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं उन सभी भाई और बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो उनको लगता है कि वो शत्रुओं से घिरे हुए हैं, शत्रु इनके चारों ओर अब भरे हुए हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, ऐसा लगता है प्रियजनों कि आपके चारों तरफ सिर्फ शत्रु घिरे पड़े हैं, किंतु खुदावन आप इन सभी भाई और बहनों को आशीष से परिपूर्ण करें, अपनी करुणा और दया बनाए कि इनके जीवन से हर प्रकार के जो शत्रु इनके आसपास भटक रहे हैं आज इसी वक्त यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ प्रभु, जब आपने हम सबको अपनी आशीष और करुणा से बनाया प्रभु, आपने हमें अपने पुत्र और पुत्रियों के रूप में रखा है प्रभु यीशु मसीह, तो हमारे आसपास कोई शत्रुओं का काम नहीं, शत्रु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, शत्रुओं को यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हाँ खुदावन यीशु मसीह, क्या हुआ अगर ये शत्रु हमारे आसपास भटक रहे हो, चारों तरफ हमारे तरफ शत्रु हो, लेकिन जिस दिन हम खुदावन को पुकारेंगे, परमेश्वर से कहेंगे, परमेश्वर इन शत्रुओं से छुटकारा देगा। आमीन हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि आज जितने भाई बहन परेशान हैं, निराश हैं और हताश हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके छुटकारे की आवश्यकता है इनको प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जीवन में छुटकारा को प्राप्त आपके आवश्यकता से होगी। प्रभु परमेश्वर की आखिरी सांस हमारे जीवन में आएगी। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज ये शत्रु न केवल एक विष के रूप में है प्रभु, किंतु एक रुकावट के रूप में भी है प्रभु। आज शत्रुओं का रूप अलग तरह का है, कोई कर्ज के रूप में है प्रभु, तो कोई प्रभु असफलता के रूप में है, किसी के पास जो चिंताओं के रूप में है, तो किसी के साथ परेशानियों के रूप में है। ये सारे शत्रु मिलके प्रभु यीशु मसीह हमारे भाई और बहनों को हताशा और निराशा में डालते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज जो ये शत्रु जो हमारे आसपास है प्रभु, जो हमारे मन में है प्रभु यीशु मसीह, वो जो एक अलग रूप में है, जो कभी हमारे जीवन में हताशा निराशा के रूप में आता है, जो हमारे जीवन को प्रभु संकटों में डालता है, आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के शत्रुओं के रूप में आए, इन सभी प्रकार के बुराइयों को खत्म करते हैं। हालेलुया यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के हताशाओं को निराशाओं को दूर भगाते हैं, हर प्रकार के जो हमारे जीवन में बुरी परिस्थितियां लाने वाले जो शत्रु हैं, यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु, ये शत्रु कभी हमें बीमारियों के रूप में आते हैं, कभी रोग के रूप में हमारे जीवन में आते हैं, कभी प्रभु हमारे जीवन में अकेलेपन के रूप में आते हैं, ये सर हर प्रकार के शत्रुओं को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, कि आप हैं हमारे जीवन में हर प्रकार से छुटकारा दिलाने वाले, हर प्रकार से हमें सुख शांति और शालोम देने वाली, आपका शांति महिमा प्रभु हमारे सभी भाई और बहनों के संग बने रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु। हम सभी भाई और बहनें मिलके प्रभु आपके नाम की महिमा करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, क्योंकि आपने हमें हर प्रकार से छुटकारा दिलाया है। हमारे जीवन में जो भी घटी कमी थी प्रभु, आपने पूरा किया है प्रभु यीशु मसीह।
हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह, आपने सभी भाई और बहनों को उनके जीवन में प्रभु अनुग्रह से भरा है। हाँ प्रभु, आप ही हैं हमारे सुनने वाले, हमारे खुदावन, दृढ़ स्थान, हमारे चट्टान प्रभु यीशु मसीह। प्रभु आपका वचन हमें दृढ़ करता है, आपका जीवते वचन हमारे जीवन में दोधारी तलवार के रूप में काम करता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपका वचन जो कहता है, हे यहोवा तेरे सामने कोई नहीं, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आमीन, हालेलुया। हमारे महान परमेश्वर, आपके समान कोई नहीं, आपका नाम सबसे ऊंचा नाम, सबसे बड़ा नाम, सबसे पराक्रम और महान नाम है। हालेलुया। और इसी नाम में हम हर प्रकार के छुटकारे को मांगते हैं आज इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से। भाई और बहनों के जीवन में जितने भी प्रकार के रुकावटें हैं उनसे छुटकारा मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। घटी कमी की जो छुटकारा की आवश्यकता है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हर प्रकार के घटी कमी को यीशु मसीह के नाम से दूर भगाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ प्रभु, हमारा विश्वास सिर्फ आप पर है, हमारा विश्वास सिर्फ आपके वचन पर है प्रभु, कि आपने प्रभु अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य, पराक्रम काम, महान काम और बड़े बड़े हमारे जीवन में करने वाले आप ही हो। हमारा विश्वास सिर्फ आप पर है प्रभु यीशु मसीह, आप ही हमारी रक्षा करने वाले हैं, हमें हर प्रकार से प्रभु संभालने वाले हैं। यीशु मसीह, आपका अनुग्रह हमारे लिए सदा बनी रहे। आपकी सामर्थ हमें निर्बलता में भी शक्ति देती है, हमें शक्ति, हमें बल से परिपूर्ण करने वाले आपकी सामर्थ से भरपूरी करे। यीशु मसीह, आप हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य करने वाले हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपने जो वचन कहा है, जो मनुष्य नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। आमीन, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके वचन को हम मांगते हैं प्रभु, जो शक्ति देता है, जो सामर्थ देता है, जो बल देता है प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद, 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 जो हमें हर प्रकार से छुड़ाने वाले, हमारे कर्जे से छुड़ाने वाले, छुटकारा दिलाने वाले, हमारे धन के कमी से छुटकारा दिलाने वाले आप हैं। हमारे जीवन में सफलताओं का दौर आप लाते हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज जितने भाई बहन धन के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, कि आज वो गरीबी से छुटकारा मांगते हैं। गरीबी जो एक शत्रु के रूप में प्रभु हमारे जीवन को खत्म कर रहा है, हमारे जीवन को खराब करने वाला गरीबी को यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के जो गरीबी है वो आज खत्म हो जाए। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आपने सभी भाई और बहनों के धन के घटी कमी को दूर किया है। जो वो कार्य करते हैं, जो वो मेहनत करते हैं, जो प्रभु वो अपने धन के लिए काम कर रहे हैं, उन पर आपका अनुग्रह हो, उन पर आपकी बरकत हो, उनके पैसों पर, उनके धन दौलत, उनके संपत्ति पर प्रभु आज आशीष उत्पन्न करें। हाँ प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही मेहनत से वो भाई बहन अब अपने पैसों के लिए कमा रहे हैं, अपने परिवार का पेट भर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, अपने परिवार का रहन सहन कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। लाल प्रभु, आप उनकी मदद करें, उनकी सहायता करें, उनके जीवन में प्रभु आप शक्ति और सामर्थ्य दे प्रभु। वो पूरी तत्पर हो के मेहनत से काम कर रहे हैं प्रभु, उन पर आपकी अनुग्रह बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु, आपकी सहभागिता हर कार्य में बना रहो, वो जो कार्य करे प्रभु अपने कमाने के लिए, उन कि पर आपकी बरकत हो, आपकी आशीष हो प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु, कि उनके साथ किसी प्रकार का कोई छल कपट ना करे, उनके पैसों को सुरक्षित रखे, वो जहाँ भी अपने पैसों को प्रभु काम में लगाएं, उनसे उनको बरकत मिले, उन पे किसी भी प्रकार का शैतानी काम ना हो यीशु मसीह के नाम से। उनके धन संपत्ति को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं और उस बरकत को, उस स्वर्गीय आशीष को मांगते हैं प्रभु, जो उनके धन दौलत को दिन दुगनी और रात चौगुनी करने वाला है। हर प्रकार के लोग जो जॉब करने वाले हैं, जो सर्विस करने वाले हैं, जो बिजनेस करने वाले हैं, जो प्रभु पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, खेतों में मजदूरी कर रहे हैं, जो अपना खेत प्रभु खेत खलिहान में अनाज उगा रहे हैं, उन सभी अनाज को, उनके सभी कार्यों को प्रभु यीशु मसीह आप सुरक्षित रहे। हर प्रकार के किसानों को प्रभु यीशु मसीह अनुग्रह दे प्रभु, कि वो जो फसल उपजाते हैं उनको प्रभु यीशु मसीह आप निश्चित करें प्रभु, क्योंकि आपका वचन कहता है कि भलाई करने में हम थक न जाएं, क्योंकि यदि हम हिम्मत
ना हारे तो निश्चित समय पर फसल देखेंगे। आमीन हालेलुया। प्रभु आज जितने किसान अपने फसल पर आशीष मांगते हैं प्रभु कि उनके जो फसल है वो दिन दुगनी रात चौगनी करे। प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु हर एक व्यापारी के लोगों को मैं प्रभु धन दौलत की बरकत बनी रहे। जॉब सर्विस करने वालों को उनके प्रमोशन की आवश्यकता हो तो उनको आज प्रमोशन के प्रभु दिन दिखाए। उनके जीवन में तरक्की और उन्नति बनाते रहे ताकि उनका परिवार खुश रहे, खुशहाली उनके जीवन में बना रहे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हाँ प्रभु आज प्रार्थना निवेदन करते हैं प्रभु, जो रोग और बीमारियों से प्रभु आज छुटकारा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जो बहुत दिनों से ये प्रभु बीमार पड़े हैं, जो इनकी कोई सुधि नहीं ले रहा है, ना डॉक्टर ना कोई बीमार ना कोई इनकी दवा कोई काम करने वाली है। प्रभु आज वो पीड़ा से जो छुटकारे के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह, आप उनके जीवन में आशीषित करें प्रभु यीशु मसीह, कि उनके जीवन से हर प्रकार के रोग और बीमारी को छुटकारे के लिए मांगते हैं आज यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के रोगों को, हर प्रकार के बीमारियों को, हर प्रकार के दर्द को यीशु मसीह के नाम से खत्म करते हैं। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर प्रकार के रोग, हर प्रकार के बीमारी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह के। आज उनके जीवन में कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से जो उनके बीमारी के रूप में शत्रु कार्य कर रहा है वो खत्म हो जाए। हालेलुया। हां प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह की। आज प्रभु आपके अनुग्रह से बने रहेंगे, आपके आज्ञाओं को पालन करेंगे, तब आप हमारे प्रार्थनाओं को सुनने वाले, विनती करने वाले, निवेदनों को प्रभु आप पूरा करने वाले। हाँ प्रभु यीशु मसीह धन्यवाद 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 करते हैं कि आपने उनके जीवन से हर प्रकार के रोग और बीमारी से छुटकारा दिलाया। प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आप सभी भाई और बहनों पर अनुग्रह प्रकट करें प्रभु यीशु मसीह, और अपने वचनों के द्वारा उन्हें आशीषित करें। आपका जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह सबके संग बने रहे, उनको ज्ञान बुद्धि समझ से परिपूर्ण करे प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया 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 प्रभु। हर एक परिवार के जनों को प्रभु आशीषित करे। परमेश्वर समृद्ध है क्योंकि वचन कहता है जो मुझे मुकदमा लड़ते हैं प्रभु उनके साथ तुम मुकदमा लड़ो। मेरे प्रिय जनों जो आपके साथ मुकदमा लड़ा है, खुद परमेश्वर आपके साथ अगुवाई कर रहे हैं प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद करूं पर कितने भी बड़े शत्रु क्यों ना हो, कितने भी जलन रखने वाले क्यों ना हो, कितने भी अंधकार की शक्तियां क्यों ना हो, तंत्र के विद्याएं हर प्रकार के खत्म होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। जो शत्रु प्रभु तंत्र मंत्र का भी हमारे प्रिय जनों के साथ व्यवहार कर रहा है, आज उनके तंत्र मंत्र के हर प्रकार के शक्तियों को यीशु नासरी से खत्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधकार की शक्तियों को खत्म करते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रभु हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों का ध्वस्त करते हैं। यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार के बुराइयों को खत्म कर रहे, शैतान की शैतानी हरकतों को यीशु मसीह के नाम से नरकुंड में भेजते हैं। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु। हर प्रकार के नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा के लिए मांगते हैं प्रभु कि आपने उनको आशीषित किया है, उनको बचाया है प्रभु, उनको बड़ी बहुतायत से आशीष दी है प्रभु कि आज के बाद उनके जीवन में कोई भी शैतानी शक्ति काम न करेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपने हमारे भाई और बहनों को बचाया है, उनको छुड़ाया है, क्योंकि परमेश्वर सामर्थ्य है। हाँ खुदावन हम पूरे दिल से तहे दिल से आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपकी करुणा आपकी दया प्रभु सदा बने रहे प्रभु। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु। आपने हमारे भाई और बहनों को आशीषित किया, अनुग्रहित किया प्रभु यीशु मसीह, उनके परिवार लोगों को प्रभु आशीष किया, उनके परिवार के लोगों को प्रभु अपने लहू में ढांप के सुरक्षित रखे। हर एक भाई और बहनों को उनको अपने लहू में ढांप के सुरक्षित रहे, जहां कहीं जाए प्रभु आपके अगुवाई में वो सदा आगे बढ़ते रहे, न किसी प्रकार का डर हो, न किसी प्रकार का खौफ हो। हर प्रकार के खौफ खतरों मुसीबतों से यीशु मसीह के नाम से उनको बचाते हैं। हालेलुया धन्यवाद 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 प्रभु यीशु मसीह। आपकी अगुवाई सदा बनी रहे प्रभु, आपकी महिमा आपकी करुणा आपकी दया धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष हमारे प्रियजनों के साथ सदा बनी रहे, आपकी करुणा आपकी दया बनी रहे। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु। हर प्रकार से उनको सहायता और मदद करने वाले, उनके गिड़गिड़ाहटों की ओर ध्यान देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी करुणा आपकी दया सदा बनी रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु हमारे जीवन को खुशहाल बनाने के लिए, सुख समृद्धि से परिपूर्ण करने के लिए प्रभु। आप प्रभु हम सबको अपने हर प्रकार से प्रभु महिमा में बनाए रखे और जो कुछ कार्य करे प्रभु आपके महिमा के प्रयोग में आए प्रभु यीशु मसीह। आपका प्रेम हर एक भाइयों और बहनों के हृदय में बना रहे और जो प्रेम प्रभु आपने हमसे किया वो प्रेम हम अपने आसपास के लोगों के साथ करें, अपने पड़ोसियों के साथ करें, अपने रिश्तेदारों के साथ वो प्रेम के साथ बने और हम मेल मिलाप में सदा बने रहे प्रभु यीशु मसीह। कि किसी प्रकार से प्रभु हम कोई के लिए मन में कोई मन मुटाव ना रखें, भेदभाव ना रखें प्रभु यीशु मसीह। जिस प्रकार से आपने हमारे जीवन को संवारा है प्रभु हमें भी शक्ति सामर्थ्य कि हम दूसरों के जीवन में सहायता और मदद पहुंचा सके प्रभु यीशु मसीह। हाँ मेरे प्रभु हमें इतनी सामर्थ्य अपना बल दे प्रभु यीशु मसीह कि हम लोगों के लिए सहायता कर सके प्रभु यीशु मसीह, और आपके प्रेम आपकी करुणा आपकी दया सब जगह हम फैला सके प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद 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 करते हैं। हम प्रार्थना को रिसीव करते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमारे जीवन में प्रभु आपकी महिमा को होने दिया प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु मसीह, आपके नाम की तारीफ करते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपका नाम का अनुग्रह आपकी दया करुणा हम सभी भाई और बहनों के साथ बने रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, हालेलुया 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 प्रभु यीशु मसीह। आप हमारे महान परमेश्वर, हमारे सुधि लेने वाले, हमारे खुदावन, आपकी तारीफ प्रशंसा और बड़ाई करते हैं। आपके हाथों में सदा प्रभु आशीष और बरकत हमारे ऊपर बनी रहे प्रभु। आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। आपके हाथों में सब कुछ सौंपते हैं प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन और आमीन।